हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। देखिए, सभी विद्यालयों में आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं, तो हमारे द्वारा आप लोगों को सभी पेपर के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। गणित का भी हो गया, हिंदी का हो गया, संस्कृत का हो गया, विज्ञान का हो गया। बच्चों, ये रहा आपका इंग्लिश का। बाकी पेपर भी आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो आप क्या करिएगा, वीडियोस में जाकर उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, या आप हमें कमेंट करके बता दें कौन सा वीडियो आपने नहीं देखा है। आपके कमेंट बॉक्स में हम वीडियो को सेंड कर देंगे। चलिए बच्चों, ये रहेगा सेट ए इंग्लिश का, जिसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे हमारे क्लास नाइन्थ वाले जुड़ रहे हैं, आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आने वाले सभी वीडियो सेट बी सी डी भी मिलते रहेंगे आपको। चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी की बटन कॉल पर करिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बच्चों, यहाँ पर देखते हैं हम पहले क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको ये पेपर मिलेगा, इसका आंसर आपको सही लगा कर आना है। जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर पंचमढ़ी से संबंधित ये क्वेश्चन पैराग्राफ आया है, इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन का जो पंचमढ़ी इज ऑप्टेन रिफर्ड टू अस, तो इसमें आ जाएगा सतपुड़ा की रानी, और दूसरे वाले में आ जाएगा 1067 मीटर्स। तीसरे में जो आएगा वो आएगा बच्चों आपका प्रेजेंस ऑफ लियोपार्ड्स एंड बिसन, ये आपका राइट आंसर होगा। और चौथे में आप लगा कर आओगे, इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा पांडवास, ठीक है, पांडवास आपका सही उत्तर होगा। और पांचवे में आपका जो रहेगा ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग टू लुक एट, ये आपका आंसर रहेगा। आपको गलत नहीं करना है, पूरा आंसर यहाँ पर आपको सही बताया जा रहा है। अगले क्वेश्चन जो रहेंगे आपके वो ये रहेंगे इस पैसेज के, दूसरे वाले पैसेज के आंसर भी मैं आपको बताऊँगा। पैसेज को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, इसके आंसर भी आप सही लगाएंगे यहाँ पर। देखिए, पहला वाला क्वेश्चन है आपका कि पीपल माइट बी स्कार्ड ऑफ टाइगर्स एंड शार्क्स व्हेन दे आर यंग। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो सही उत्तर होगा, तो बच्चों यहाँ पर दूसरे वाले में जो आप लगाओगे आंसर वो पहले वाले में लगाओगे बी, और दूसरे वाले में जो लगाओगे आप बी लगाओगे, और तीसरे वाले में जो लगाओगे वो लगाओगे सी, और चौथे वाले में इसका जो आंसर होगा वो होगा मलेरिया एंड येलो फीवर, ठीक है, सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। और यहाँ पर जल्दबाजी में ये पांचवा वाला मिल नहीं पाया है, तो थोड़ा सा आप इसको पांचवा वाले को देख लीजिएगा, ठीक है, इसका मीनिंग्स आप सर्च कर लेना, ट्रांस मीट्स है ना, इसका मीनिंग बताना है। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सुटेबल टाइटल लिखना है और क्या बनाना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो इसका टाइटल मैं बता देता हूँ आप लोगों को, और आप क्या करेंगे, नोट्स आपको बनाना आता ही है। तो इसका जो आंसर होगा मतलब टाइटल के रूप में, तो इसमें आप क्या लिख लोगे, ग्लोबल वार्मिंग, ये तो आपका क्या हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा। तो एक नंबर तो यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा, जिसके बाद में आपको नोट्स बनाने हैं, तो इसी में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप अंडरलाइन करेंगे और उसका नोट्स बना देंगे। जिसके बाद में बच्चों यहाँ पर आपकी बुक बैंक की एप्लीकेशन को रट दो, अभी आपके पास समय है। बुक बैंक की एप्लीकेशन आपको पेपर में देखने को मिलेगी, जिसके बाद में आपको निबंध भी मिल रहा है वंडर ऑफ साइंस का, ये रहा आपका साइंस इन आवर डेली लाइफ के नेम से आपको मिलेगा, ठीक है। और एक आपको एक पिक्चर दी गई है, इसके आधार पर आपको एक पैराग्राफ तैयार करना है। इस पिक्चर को देखिएगा और इसके बारे में आप चार पांच अच्छे से पॉइंट याद रखिएगा, जिसके बाद में ग्रामर वाला सेक्शन आप देख लीजिए, ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन आपको करवा देते हैं। यहाँ पर जो है आई डिड नॉट बाय मैंगोस, तो इसमें आ जाएगा एनी, दूसरे वाले में आपका आ जाएगा वेयर, और तीसरे वाले में आपका आ जाएगा द, और चौथे वाले में आपका आ जाएगा अरेव्ड, और इसमें आपका आ जाएगा बिकॉज, और इसमें आपका आ जाएगा डिड, इस प्रकार ये हो जाएगा आपका। जिसके बाद में क्वेश्चन में देखें हम आठवां वाला, इसमें डू अस डायरेक्ट आपको करना है। तो डू अस डायरेक्ट में बता देता हूँ आपको बच्चों,
देखिए इसमें जो आपके रहेंगे करने कितने हैं, फाइव करने हैं, दे रखे हैं आपको छः, है ना, सिक्स दे रखे हैं, करने कितने हैं, फाइव है। जिसके बाद में तो बच्चों मैं आप लोगों को जो डुअर्स डायरेक्ट है ये दूंगा, कहाँ पर इसको टाइम लगेगा बनाने में अभी, तो टेलीग्राम चैनल है हमारा जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सभी डुअर्स डायरेक्ट मैं आपको सेंड कर दूंगा जल्दी से लिख के, तो तभी आप लिख लेंगे। ठीक है, अभी हम क्या कर लेते हैं, इसके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो इसमें आ जाएगा इन दिस हाउस, इसका आंसर आपका होगा इन दिस हाउस। और व्हाट डज द पोएम द रोड नॉट टेकन स्पीक अबाउट, तो इसमें आ जाएगा आपका अबाउट द चॉइस मेड बाय पीपल, ये आंसर आपका डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला वाला, तीसरा वाला, व्हेन डिड द इंट्रूडर इंटर गैरेट्स हाउस, इसमें तीसरा और चौथा का आंसर भी आप देख लीजिए, उसके बाद नीचे वाला भी देखेंगे। इसके बाद बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर तीसरे वाले में जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा, तीसरे वाले का जो आंसर है इसमें सी ऑप्शन आप राइट लगा लोगे, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जिसके बाद में चौथे में आप थोड़ा सा उसमें पोएम को पढ़कर देख लीजिएगा, ये मुझे मिल नहीं पाया अभी, जल्दबाजी में वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के कारण, इस कारण से मैं देख नहीं पाया हूँ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पहला क्वेश्चन पढ़ना है, इस आपको इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। तो द टाइटल गर्ल रेड एंड अवॉइडेड, तो इसमें आ जाएगा हर फादर, हर फादर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरे में आ जाएगा इन मॉर्निंग, हर फादर विजिटेड हर इन मॉर्निंग। ठीक है, जिसके बाद में ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स आंसर वर्ड, तो इसका आंसर भी आपको थोड़ा खोजना पड़ेगा बच्चों। जिसके बाद में आपके यहाँ पर दसवें का बी वाला स्टार्ट होता है यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये बी वाला मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसमें क्या समय लग जाएगा बच्चों। तो देखिए यहाँ पर आप इस पैसेज को पढ़कर दसवें का बी वाला भी ढूंढ लीजिएगा, और बाकी इनमें से जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड करूँगा बच्चों। टेलीग्राम चैनल पर से आप जुड़ जाइएगा, ये 16 तक आपके प्रश्न रहेंगे, 2 नंबर के 3 नंबर के। इनमें से जो प्रश्न आपको नहीं मिलता है अभी आपके पास समय, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जो प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे बच्चों उन प्रश्नों के आंसर मैं आपको सेंड करूंगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या आप वैसे ज्वाइन नहीं कर पाओ तो क्या करेंगे आप, टेलीग्राम पर जाना और वहां सर्च कर लेना हमारे जो यूट्यूब चैनल का नाम है, उससे आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, सरस्वती का लोगो डला हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।